pipes running together can fill a cistern in 3:1/13 minutes. Full stop. If one pipe takes 3 minutes more than the other, to fill it, comma, find the time in which each pipe would fill the cistern. Each pipe would fill the cistern. समझ लीजिए जैसे कि कोई टैंक होता है, तो पाइप लगे हुए हैं और पाइप जो है वो टैंक को भर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि टू पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ सिस्टर्न इन 3:1/13 minutes. अब जो टाइम है वो मुझे मिनट में दे रखा है, जैसे कलम ने क्वेश्चन करा था उसमें टाइम हमको डेज में दे रखा था, यहाँ पर मिनट में दे रखा है। अब इसका मतलब क्या है कि टू पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ सिस्टर्न इन 3:1/13 minutes, मतलब मैंने एक टैंक में एक पाइप भी डाल दिया और तभी के तभी दूसरा पाइप भी डाल दिया, दोनों पाइप साथ साथ डाल दिए और दोनों पाइप्स को चालू कर दिया, तो 3:1/13 minutes में वो पूरा का पूरा जो सिस्टर्न है यानी कि पूरा का पूरा जो टैंक है वो भर जाता है। इसका मतलब क्या है कि इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए 3:1/13 minutes के लिए दोनों पाइप चालू रहे, दोनों पाइप चलते रहे। तो अब आप इसमें नोट करेंगे और कुछ क्या रहेंगे, हमारा एक ही बेसिक फंडा है, फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप वुड फिल द सिस्टर्न। तो जो चीज़ हमसे पूछी जा रही है हमें उसी को कुछ ना कुछ एज्यूम कर देना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर लेट द टाइम टेकन बाई फर्स्ट पाइप, लेट द टाइम टेकन बाई फर्स्ट पाइप टू फिल द सिस्टर्न separately be x minutes. हमने ये कहा कि एक पाइप जो है वो x मिनट्स में, अगर अकेला एक पाइप यूज करते हैं तो वो x मिनट्स में पूरे के पूरे सिस्टम को भर देता है, पहली चीज तो ये। उसके बाद इन्होंने दे रखा है वन पाइप टेक्स 3 मिनट्स मोर देन द अदर टू फिल इट, तो जो दूसरा पाइप है वो कितना टाइम लेगा, x+3। अगर एक पाइप x मिनट में पूरे के पूरे सिस्टम को भर देता है तो दूसरा पाइप कितने टाइम में भर देगा, x+3 मिनट्स में। देन द टाइम टेकन बाय सेकंड पाइप टू fill the cistern then the time taken by second pipe to fill the cistern separately be x plus 3 minutes. तो second pipe जो है वो x plus 3 minutes लेगा, ठीक है। फिर वही काम कर रहे हैं मेरे को x मिनट्स में वो एक सिस्टर्न को भर देगा, तो हम ये देखेंगे कि एक मिनट में कितने सिस्टर्न को भर देगा, वन मिनट में कितने को भर देगा, ठीक।
और जो टोटल टाइम इसमें दे रखा है ना, ये कहीं साइड में लिख लेना, टोटल टाइम दे रखा है 3:1/13 मिनट्स। तो 13 3 कितना होता है 39, 39+1 40/30 मिनट्स, 40/13 मिनट्स। बस अभी साइड में लिख कर छोड़ दो इसको कहीं पर, अब क्या काम करना है वो देखिएगा। हम अब ये कहेंगे कि एक मिनट में वो कितने सिस्टम को भर देगा ये देखेंगे। तो इन वन मिनट फर्स्ट पाइप फिल्स, कि वही वाली कहानी है कि जब हमने ये देखा था कि एक्स मिनट में, पहले ऊपर लिख लो इसके, इन एक्स मिनट्स फर्स्ट पाइप फिल्स वन सिस्टर्न। एक्स मिनट में जो पहला पाइप है, फर्स्ट पाइप है, वो एक्स मिनट में एक सिस्टर्न को भर देता है, एक सिस्टर्न को। ठीक, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो एक मिनट में कितने को भर देगा। एक्स मिनट में उसने भर दिया एक सिस्टर्न को, तो एक मिनट में कितने को भर देगा, ये एक्स जो है ये यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा। समझ गए, ये वही चीज़ है कि 5 रुपीज़ में 10 आइटम आते हैं, तो 1 रुपये में कितने आते हैं, 10/5, 2। नॉर्मली बता देते हैं ना कि 5 रुपीज़ में 10 आइटम्स आते हैं, तो जो है 1 रुपये में कितने आइटम आ जाएंगे, 10/5, यानी कि 2 आइटम आएंगे बस। समझ गए, तो ये वही चीज़ है, वो आप डिवाइड करके बताते हैं। डिवाइड कैसे होता है कि वन के लिए जब निकाला जाता है तो वो चीज़ जो है वो डिनोमिनेटर में चली जाती है। तो एक्स मिनट में एक सिस्टर्न को भरता है, तो एक मिनट में कितने सिस्टर्न को भरेगा, 1/x सिस्टर्न। ठीक है, हमने दोनों पाइप साथ साथ डाल दिए थे टैंक के अंदर, और हमने क्या देखा कि 40/30 मिनट्स के लिए दोनों पाइप चालू रहे, तो एक मिनट में इतने सिस्टर्न को भर देगा। तो 40/30 मिनट्स में, इन 40/30 मिनट्स फर्स्ट पाइप फिल्स कितना, 40/13 × 1/x सिस्टर्न। सही है, ठीक। तो अब ये हो गया हमारा कि 40/30 मिनट्स में फर्स्ट पाइप ने इतना सिस्टर्न भर दिया। अब ऐसी सेकंड पाइप की बात करते हैं, सेकंड पाइप अकेला कितनी देर में भरता है, x+3 मिनट्स में। तो पलट कर लिखेंगे, x+3 पहले लिखेंगे, इन x+3 मिनट्स सेकंड पाइप, फिल्स वन सिस्टर्न, तो इन 1 मिनट सेकंड पाइप फिल्स 1/x+3 सिस्टर्न। तो इन 3:1/13, 40/13 मिनट्स सेकंड पाइप फिल्स 40/13 × 1/x+3 सिस्टर्न। समझ गए, तो इसका मतलब क्या है कि 40/13 मिनट्स के लिए हमारे दोनों पाइप चालू रहे, दोनों पाइप टैंक में कनेक्टेड रहे, सिस्टर्न में कनेक्टेड रहे। तो 40/30 मिनट्स में फर्स्ट पाइप ने तो इतना पोर्शन भर दिया, सेकंड पाइप ने 40/30 मिनट्स में सेकंड पाइप ने इतना पोर्शन भर दिया, तो टुगेदर दोनों ने मिलकर क्या कर दिया, एक सिस्टर्न को भर दिया। ठीक है, समझ रहे कि नहीं, भाई फर्स्ट पाइप ने इतना पोर्शन भर दिया और सेकंड पाइप ने इतना पोर्शन भर दिया, दोनों ने मिलकर क्या भर दिया, पूरा एक सिस्टर्न। तो क्या करेंगे, 40/13 × 1/x, ये किसका वर्क है, फर्स्ट पाइप का, फर्स्ट पाइप ने इतना सिस्टर्न भर दिया, प्लस सेकंड पाइप ने कितना भरा, 40/13 × 1/x+3। तो दोनों ने टोटल कितना भर दिया, एक सिस्टर्न भर दिया, पूरे एक सिस्टर्न को दोनों ने मिलकर भर दिया। ठीक है,
अच्छा, अब इसमें 40/13 यहाँ पर भी आ रहा है, 40/13 यहाँ पर भी आ रहा है, तो 40/13 को ले लो कॉमन। को कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1/x + 1/x + 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब आप ये देखिए ये 40/13 यहाँ पर है मल्टीप्लाई में, अगर उधर ले जाऊँगा तो 13 यहाँ डिनोमिनेटर में है तो 13 यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा, 40 न्यूमरेटर में है तो 40 यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्योंकि 40/13 उधर जाकर क्या बन जाएगा, 13/40। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया 1/x + 1/x + 3 उधर जाकर क्या हो गया 13/40। फिर क्या करें, ये जो x और x प्लस 3 है इनका एलसीएम ले लीजिए, तो जब एलसीएम होता है दोनों अलग अलग टर्म्स का तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली, तो x और x प्लस 3 को कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x और x प्लस 3 आपस में मल्टीप्लाई हो गए, फिर ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई, ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा x प्लस 3, ये x प्लस 3 इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर इधर आ गया, x 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर इधर आ गया, इज इक्वल टू 13/14, तो 2x प्लस 3 x इंटू x क्या हो गया x स्क्वायर और x इंटू 3 क्या हो गया 3x इज इक्वल टू 13/14। ठीक है, अब क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कितना हो गया 13x², 13 × 3x कितना हो गया 39x, 40 × 2x कितना हो गया 80x और 40 × 3 कितना हो गया 120। ठीक, अब सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, 13x² + 39x - 80x - 120 = 0। 39 - 80 करेंगे तो कितना हो जाएगा 41, वो भी माइनस का, और -120 = 0। 120 और 13 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, 13 और -120 को मल्टीप्लाई, जब क्वाड्रेटिक बनती है तो x स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -120 × 13, 13 × 0 = 0, 13 × 2 = 26, 2 × 13 = 13 और 2 = 15, -1560। माइनस साइन को तो अभी देखेंगे, पहले 1560 के प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, तो 27 सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करते चले जाओ, 2 × 7 = 14, 15 - 14 कितना हो गया 1, 2 × 8 = 16, ये 0 आ गया, फिर 390, फिर 195। तो अब आप ये देखिएगा कि ये तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो अगला प्राइम नंबर क्या है 3, तो 3 से डिवाइड ये हो जाएगा, 3 6 = 18, 19 - 18 1 हो गया 1 5 15, तो 3 5 = 15, अगेन 3 से डिवाइड, सॉरी 3 से नहीं होगा, अब ये होगा 5 से, 5 13 = 65, और फिर 13 से 13 = 13, ये हो गया। तो अब मुझे 41 बनाना है, है, और ये कितना है 2 × 4 = 8, 3 × 24, 65 में से 41 करेंगे 41 आ रहा है, बस हो गया 13 5 = 65, और माइनस का 41 चाहिए, 13x² - 65x, और 3 2 = 6, 2 = 12, 2 = 24,
तो प्लस का 24x में से 24 को सबट्रैक्ट करेंगे, माइनस 65 प्लस 24 करेंगे तो माइनस का 41 आ जाएगा, सही है। और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा माइनस का 1560, क्योंकि 1560 के ही प्राइम फैक्टर हैं सारे। तो ये लास्ट का टर्म क्या, माइनस का 120 = 0, पहले और दूसरे टर्म में से कॉमन आ जाएगा 13x, तो इधर क्या बचा एक्स, तो ये हो गया 24 into, इधर से 24 कॉमन लूंगा तो इधर x बच जाएगा, और 24 5 = 120 होता है तो x माइनस 5। तो फैक्टर्स क्या बन गए, x माइनस 5 into 13x + 24 = 0, तो x माइनस 5 = 0, और 13x + 24 = 0, तो x = 5। सर आगे सर, और यहाँ से x = -24/13, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि x क्या था, हमने क्या लिया था, ये फर्स्ट पाइप जो है वो कितना टाइम ले रहा है उस सिस्टम को भरने के लिए, हमने बोला था x मिनट्स। तो टाइम जो है, टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, तो इस वजह से -24/13 तो मैंने काट दिया, ये नहीं लेके। तो फर्स्ट पाइप कितना टाइम ले रहा है, 5 मिनट्स, तो सेकेंड पाइप कितना लेगा, 5 + 3 x + 3 यानी कि 8 मिनट्स। तो अगर नेगेटिव नहीं होता तो ले सकते हैं क्या, अगर नेगेटिव नहीं होता तो, अगर नेगेटिव नहीं होता तो भी करके देखते हैं हम। कई बार ऐसा होता है कि वो टर्म जो है वो ऐसी आ रही है कि एक वैल्यू आ रही है 1 और दूसरी मान लीजिए 1 + 3, तो हम ये कहेंगे तब तो लिया जा सकता था, दो अलग अलग कंडीशन। ठीक, जैसे कल एक क्वेश्चन करा था ना हमने कि एक आदमी एक काम को करने में एक्स डेज लेता है और दूसरा उससे 6 डेज कम लेता है, तो अब आया क्या था कि x की एक वैल्यू 2 आ गई थी, तो अगर हमने x की वैल्यू 2 ले ली तो फर्स्ट मैन जो है वो तो 2 डेज में उस काम को कंप्लीट कर रहा है, सेकंड मैन कितने दिन में करेगा, 2 - 6, 6 दिन कम में, तो 2 - 6 क्या बन जाता है, -4। तो हम ये कहेंगे कि नहीं, वो 2 वाली वैल्यू पॉजिटिव होने के बावजूद भी छोड़ देंगे उसको, समझ गए। अच्छा, अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी ये टाइम और वर्क वाले क्वेश्चन आते हैं कि एक पाइप इतनी देर में भरता है तो दोनों पाइप मिलकर इतनी देर में भर देते हैं, एक आदमी है अकेला इस काम को इतनी देर में करता है तो दो आदमी मिलकर इतनी देर में कर देते हैं, तो ये टाइम और वर्क वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, इनमें हमेशा ये याद रखना कि अगर आपके पास ये 1/x वाली टर्म, जिस तरीके की टर्म नहीं आ रही है, तो समझ लेना आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, समझ गए। 1/x + 3 जैसे यहाँ पर आया 1/x और 1/x + 3, तो ये आना ही चाहिए। और आप क्या देखेंगे, आपको ये करना है यहाँ पर कि भाई एक आदमी अकेला अगर लगता है तो उस काम को अगर एक्स डेज में कर देता है तो उसका एक दिन का काम निकालना है, ठीक है। यहाँ पर पाइप की बात करी थी तो टाइम पहले जो मैं अभी एक दिन की बात कर रहा था, तो टाइम कभी डेज में दे रखा होगा, कभी मिनट्स में दे रखा होगा, कभी आवर्स में दे रखा होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो टाइम और वर्क वाले में आपको एक, अगर टाइम आपको डेज में दे रखा है तो एक दिन का काम निकालना है, अगर टाइम आपको मिनट्स में, जैसे यहाँ टाइम मिनट्स में दे रखा है तो एक मिनट का काम निकालना है, एक मिनट में कितने सिस्टम बढ़ दिया, 1/x, सेकंड पाइप में एक मिनट में कितना सिस्टम बढ़ दिया, 1/x + 3, तो ये हमको कैलकुलेट करना ही होगा, समझ गए। ये एक अंदाज़ा है कि क्वेश्चन में अगर सॉल्व करते टाइम हमारे पास 1/x, 1/x + 3 इस तरीके की टर्म्स आ रही है, दैट मीन्स वी आर गोइंग इन करेक्ट डायरेक्शन, तो हम सही चल रहे हैं, ठीक है। अब मैं और एक तो क्वेश्चन देखूंगा इसके, देखिएगा देता हूँ, हाँ इस क्वेश्चन का लिख लीजिए आंसर, second pipe
cells hit him. 5 plus 3 मतलब 8 minutes के second pipe उसको 8 minute में भर देता है. एक question note करिए, एक और. A takes 10 days less than the time taken by B. A takes 10 days less than the time taken by B. Less than the time taken by B to finish a piece of work. To finish a piece of work, full stop. If both A and B together can finish the work, both A and B together can finish a work, finish the work in 12 days, comma, find the time taken by B to finish the work. ठीक है, ट्राई करिए. हाँ जी, तो यहाँ पर जो टाइम है वो मिनट्स में, आवर्स में ना देकर किस में दे रखा है, डेज में दे रखा है. ए टेक्स 10 डेज लेस देन द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क. तो बी, और यही हमसे पूछा जा रहा है, वो पूछ रहे हैं फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क. तो आप मान लीजिए कि बी अकेला अगर किसी काम को करता है तो वो एक्स डेज में फिनिश करेगा उसको, एक्स डेज में. तो आप नोट करिए, let the time taken by B, let the time taken by B to finish a work be x days. हमने माना कि जो B है वो अकेला उस काम को x days में finish करता है. Then the time taken by A to finish a work will be, अगर B जो है किसी काम को X days में finish करता है तो A उससे 10 दिन कम लेता है, यानी कि X minus 10 days. X minus 10 days हो गया. अब क्या करना है? अब फिर से आप ये देखिएगा, जैसे वो पाइप्स वाला क्वेश्चन था कि 3:1/13 मिनट्स तक
वो दोनों पाइप चालू रहते हैं। तो इसी तरह से कुछ और भी दे रखा है यहाँ पर, देखिए इफ बोथ ए एंड बी वर्क टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज, अगर ए और बी दोनों के दोनों साथ में काम करते हैं तो 12 दिन में काम फिनिश करते हैं। इसका मतलब ए और बी दोनों के दोनों 12 दिन तक काम करते रहे, ऐसा तो नहीं होगा ना कि ए आराम करेगा बी को बोलेगा चल तू इधर, ठीक है ऐसा तो नहीं होगा। तो दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि ए का भी मुझे 12 दिन का काम निकालना है और बी का भी 12 दिन का काम निकालना है और दोनों को ऐड कर देना है और टुगेदर दे आर फिनिशिंग वन वर्क, तो दोनों को ऐड करेंगे वन के इक्वल आ जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, पहले निकालो बी का एक दिन का काम, तो बी का एक दिन का काम क्या हो जाएगा 1/x, ऐसे ही ए का एक दिन का काम क्या हो जाएगा 1/x-10, 12 दिन का काम क्या हो जाएगा 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर एक मिनट में कितना पाइप भरा, ऐसे यहाँ पर क्या निकालेंगे कि एक दिन में कितना काम किया, बस ये चीज़ है। वहाँ पर यहाँ पर कोई एक काम है, मुझे नहीं पता क्या काम है, यहाँ पर काम क्या था सिस्टर्न को भर देना, वो काम था सिस्टर्न को फिल करना वो काम था। तो अब क्या करेंगे, तो x डेज में जो b है वो एक काम को फिनिश कर देता है x डेज में, ठीक है। तो इन वन डे सीधा लिखिए, इन वन डे b फिनिशेस 1/x वर्क, कि एक दिन में उसने कितना काम फिनिश कर दिया 1/x, तो भाई 12 दिन में कितना, हाँ सही है ठीक। इसी तरीके से इन वन डे ए फिनिशेस, अकेला काम करता है तो कितने दिन लेता है x-10 days, तो ई एक दिन में कितना काम करेगा 1/x-10 work, ये वन डे में उसने करा इतना काम, वन डे A finishes 12 into 1/x-10 work, ठीक है। तो एक दिन में इतना वर्क करा और अगर देखा, अच्छा तो अब B का आ गया वर्क और A का वर्क आ गया, तो क्या लिखेंगे, B is work plus A is work, टोटल एक काम के लिए तो बराबर होगा, दोनों मिलकर एक ही तो काम कर रहे हैं, टोटल कितना हो गया इज इक्वल टू वन वर्क। तो बी का काम कितना होगा 12 into 1/x, ए का काम कितना हो गया 12 into 1/x-10 इज इक्वल टू वन, अभी दोनों में 12 आ रहा है कॉमन, 1/x + 1/x-10 जी। ऑनलाइन वाले समझ रहे हैं कि नहीं बताओ भाई, आदित्य कुशाग्र राजसी ठीक है, सिमर जी है, रियलमी 7 चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं अभी एक बार जो मल्टीप्लाई हो रहा है जाकर डिवाइड में x-10 का LCM क्या हो रहा है, सही है 1/12 हो गया ठीक, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x into x-10 इधर आ गया, x इधर चला गया, ऐसे हो गया,
एक्स इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स प्लस एक्स सॉरी टू एक्स माइनस टेन, और अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन ट्वेल्व। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये इधर और ये इधर, एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स चार आएगी ना, ट्वेल्व इक्वल चार आएगी, टू एक्स माइनस टेन, एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर एक्स माइनस ट्वेल्व टेन जा वन ट्वेंटी, ये इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस ट्वेंटी फोर एक्स प्लस का वन ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी फोर एक्स प्लस वन ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशियंट है नहीं, मतलब वन है, तो वन इंटू वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी रहेगा। अब थर्टी फोर को कुछ इस तरह से स्प्लिट करना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो आ जाए माइनस थर्टी फोर और मल्टीप्लीकेशन वन ट्वेंटी के बराबर, क्या हो जाएगा माइनस थर्टी माइनस थर्टी और फोर, थर्टी और फोर बिल्कुल सही, थर्टी इंटू फोर कितना हो जाएगा वन ट्वेंटी, और माइनस थर्टी और माइनस फोर कितना हो जाएगा माइनस थर्टी फोर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस थर्टी एक्स प्लस वन ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो, इन दोनों में से एक्स कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचा एक्स माइनस फोर, इन दोनों में से ले लो माइनस थर्टी कॉमन, ताकि ब्रैकेट में बचे एक्स माइनस फोर, इधर भी एक्स माइनस फोर इधर भी एक्स माइनस फोर, तो एक्स माइनस फोर आ गया कॉमन, तो एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। फोर तो नहीं लेंगे क्योंकि अगर बी अकेला, बी अकेला अगर चार दिन में फिनिश कर रहा है तो फिर ए कितने में फिनिश करेगा, फोर माइनस टेन यानी कि माइनस सिक्स डेज में, तो ए का वर्क जो है वो नेगेटिव डेज में चला जाएगा, तो इसलिए एक्स इज इक्वल टू फोर हम नहीं लेंगे। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू थर्टी लेंगे यानी कि बी अकेला उस काम को थर्टी डेज में कर रहा है, तो ए कितने दिनों में करेगा, थर्टी माइनस टेन टेन डेज लेस यानी कि बीस दिन में, समझ गए। Therefore, B finishes the work alone in 30 days. B अकेला उस काम को 30 days में finish कर देगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन दूंगा आपको, ये 2010 में आया सीबीएसई में, नहीं दूसरा देता हूँ, ये 2015 वाला देता हूँ, आप करेंगे। क्वेश्चन है टू फिल अ स्विमिंग पूल
If the pipe of larger diameter used for 4 hours, if the pipe of larger diameter used for 4 hours and the pipe of smaller diameter for 9 hours, used for 9 hours, only half of the pool can be filled, only half of the pool can be filled, only half of the pool can be filled. Full stop. Find how long it would take for each pipe to fill the pool separately. To fill the pool separately. If the pipe of smaller diameter takes 10 hours more, if the pipe of smaller diameter takes 10 hours more than the pipe of larger diameter, 10 hours more than the pipe of larger diameter to fill the pool. इसलिए मैं करवा रहा हूँ आपसे, होगा नहीं। सुनिए, देखिए क्या दे रखा है हमने। इन्होंने बोला टू फिल अ स्विमिंग पूल टू पाइप्स आर यूज्ड। एक स्विमिंग पूल को भरने के लिए दो पाइप्स यूज करे जाते हैं। इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर यूज्ड फॉर 4 आवर्स एंड द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर यूज्ड फॉर 9 आवर्स। तो अभी तक हम क्या देख रहे थे कि दोनों को, जैसे मान लीजिए ए और बी काम कर रहे थे, तो ए और बी ने, दोनों ने 12 दिनों तक मिलकर एक काम को फिनिश कर दिया। यानी कि ए भी 12 दिन तक काम करता रहा, बी भी 12 दिन तक काम करता रहा। उससे पहले पाइप वाला क्वेश्चन था, तो उसमें हमने देखा था कि 3:1/13 मिनट्स के लिए फर्स्ट पाइप भी चलता रहा और 3:1/13 मिनट्स के लिए सेकंड पाइप भी चलता रहा, लेकिन यहाँ पर टाइम अलग अलग दे दिए। उन्होंने बोला कि एक तो बड़े डायमीटर वाला पाइप है, वो तो सिर्फ चार घंटे तक चालू रहा, और छोटे डायमीटर वाला पाइप जो है वो 9 घंटे तक चालू रहा, और उसके बावजूद भी उन्होंने हाफ ऑफ द पूल, उन्होंने आधा पूल भरा। तो यहाँ पर पूल भरना हमारे लिए वन वर्क है, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पर वन के इक्वल करा था, अब वो आधा पूल भर रहा है, यानी कि आधा काम फिनिश कर रहा है, तो इज इक्वल टू हाफ लेके लास्ट में। हाफ ऑफ द पूल कैन बी फिल्ड का मतलब क्या है कि अगर पूरा पूल भर जाए तो एक काम फिनिश हुआ, ठीक। लेकिन आधा पूल भर रहा है तो आधा काम फिनिश हुआ ना, इज इक्वल टू हाफ वर्क लेके। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक। तो एक अंतर तो यहाँ पर ये है कि दोनों पाइप अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के लिए काम कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि दोनों मिलकर भी एक पूल नहीं भर रहे, आधा पूल भर रहे, ठीक है। तो अब इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए इन्होंने पूछा क्या है, फाइंड हाउ लॉन्ग इट वुड टेक फॉर ईच पाइप टू फिल द पूल सेपरेटली। फिल द पूल सेपरेटली यानी कि पूरा पूल भरने में, है ना। तो क्या करें, इसमें आप लीजिएगा, लेट द
पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स मोर, टेक्स 10 आवर्स मोर, ठीक है. लार्जर डायमीटर, इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर फिल्स द पूल सेपरेटली इन एक्स आवर्स. तो ये मान लीजिए ये जो लार्जर डायमीटर वाला है, लार्जर डायमीटर यानी कि बड़ा पाइप है, बड़ा पाइप है तो जल्दी भर देगा, ठीक है. स्मॉलर डायमीटर यानी कि छोटा पाइप है, छोटा पाइप है तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा. कितना टाइम ज़्यादा, उससे 10 घंटे ज़्यादा ले रहे हो. तो लेट द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर फिल्स द पूल सेपरेटली इन एक्स आवर्स, देन द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर फिल्स द पूल सेपरेटली इन एक्स प्लस 10 आवर्स, सेपरेटली इन एक्स प्लस 10 आवर्स. ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, अब ये देखेंगे कि वो पूरे पूरे पूल को कितनी देर में भर रहा है, एक्स आवर्स में भर रहा है, तो एक घंटे में कितना पूल भर देगा. तो हम ये कहेंगे देयरफॉर पाइप ऑफ इन वन आवर पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर फिल्स 1/x पूल. तो उसने कितना पूल भर दिया, एक घंटे में कितना पूल भर दिया, 1/x पूल ये भर दिया. अच्छा, और जो ये लार्जर डायमीटर वाला पाइप है ये कितनी देर तक के लिए चालू रहता है. इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर यूज्ड फॉर 4 आवर्स, एक घंटे में इतना बनेगा तो 4 घंटे में कितना, बोलो 4 × 1/4 आवर्स पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर फिल्स 4 × 1/4 x, मतलब 4/x पूल भर देता है 4 घंटे में. सिमिलरली अब स्मॉलर डायमीटर वाले की बात करते हैं, तो इन वन आवर पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर फिल्स 1/x प्लस 10 पूल. तो अब क्या है कि ये जो छोटा डायमीटर वाला पाइप है ये 9 घंटे के लिए यूज करा जाता है, 9 आवर्स के लिए. तो इन 9 आवर्स पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर इन 9 आवर्स पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर फिल्स 9 × 1/x + 10 पूल, यानी कि कितना, 9/x + 10. तो 4 घंटे के लिए बड़ा पाइप चालू रहा, 9 घंटे के लिए छोटा पाइप चालू रहा, दोनों ने मिलकर आधा पूल भरा. तो प्रैक्टिस कई बार क्या होता है कि बच्चे करते रहते हैं प्रैक्टिस और वो एक फ्लो बन जाता है कि हमने इज इक्वल टू 1 लिख दिया. तो याद रखना कि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ओनली हाफ ऑफ द पूल कैन बी फिल्ड. इसका मतलब बड़े पाइप ने कितना पूल भर दिया 4/x, छोटे पाइप ने कितना पूल भर दिया
9 अपॉन x plus 10 और दोनों ने मिलकर कितना बढ़ दिया 1/2 है। बस इसी में सारा राज छुपा हुआ है इस क्वेश्चन का। अब आगे चलिए, अब देखिए, अब इसमें कुछ कॉमन नहीं लिया जा सकता 4 और 9, जैसे हर एक में सेम टाइम के लिए दोनों चीज़ें काम कर रही थी तो वहाँ पर तो कॉमन ले रहे थे, यहाँ नहीं ले पाएंगे। तो सीधा एलसीएम लीजिए x इन टू x प्लस 10 और ये x प्लस 10 इधर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस ये 9 इधर x से मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2। तो 4 इंटू एक्स 4x 4 × 10 40 9x x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 1/2। 4x प्लस 9x कितना हो गया 13x प्लस 40 अपॉन x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई ये इधर और ये इधर, हो गया 26x और 2 × 40 हो गया 80। सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 26x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। 10 माइनस 26 कितना हो जाएगा माइनस 16x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। पता है ये क्या करें, सब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में इंटू कर ही देंगे 80 और 16 क्या करूं, 24 का 80 हो गया, 24 का 80 बस माइनस 20x प्लस 4x माइनस 20 प्लस 4 कितना हो गया माइनस 16 और लास्ट में माइनस माइनस 80 गई, माइनस 20 इंटू 4 कितना हो जाएगा माइनस 80। अभी इधर x कॉमन ले लिया तो ये आ गया x माइनस 20, इधर 4 कॉमन ले लिया तो x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 20 इंटू x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 20। अब x की वैल्यू नेगेटिव में नहीं हो सकती क्योंकि x क्या है कि लार्जर डायमीटर वाला पाइप कितनी देर में भर रहा है, उसको 20 आवर्स में भर रहा है, तो स्मॉलर डायमीटर वाला कितनी देर में भरेगा अकेला 20 प्लस 10 यानी कि 30 आवर्स में, ठीक है। तो लार्जर डायमीटर वाला और स्मॉलर डायमीटर वाला 20 प्लस 10 मतलब 30 आवर्स में, सही है जी, समझ गए सही। वो वाला क्वेश्चन है सर जिसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट ऑफ सर वो माइनस आ रहा है, इस क्वेश्चन में हां सर हमने गलत हुआ, आपने डिस्क्रिमिनेंट ऐसे निकाला ना b² - 4ac, तो b² क्या हो जाएगा माइनस 16 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 18, ये कितना हो गया माइनस 16 का, हां सर माइनस 16 ही दिया, अब वो तो गलती करी होगी ना, ये 256 हो गया तो ये आपका ही है माइनस 18 हो गया, ठीक है। तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका खत्म होता है और फिर जो है आपको नेक्स्ट ट्राइंगल्स का वर्क करना स्टार्ट, और कल आगे कंटिन्यू करेंगे लाइव प्रोसेस।